हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर वन नोविंग आवर नंबर्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं ये बेस्ड ऑन नोविंग आवर नंबर्स चैप्टर वन पर आधारित हैं। तो ये किस प्रकार से इनको सॉल्व करना है ये हम आपको समझाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आउट ऑफ 199, 201, 199, 198, 179, द स्मॉलेस्ट नंबर इज, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर आप देखिए, इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वह है 179। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है, 179। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, 59,681, 59,718, 59,580, 49,981, द ग्रेटेस्ट नंबर इज, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमें बताना है। आप देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5 सभी के सभी 5 डिजिट हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या होगी। आप देखिए ये 59,600 है, ये 700 है, ये 500 है, तो ये 700 है और ये तो 49 है, 59 से भी कम है, तो 59,718, तो ये ऑप्शन हमारा इसमें सी जो है ये राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूजिंग द डिजिट्स, ये डिजिट्स हैं 2, 0, 9, 7, द ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर मेड इज, ये 4 डिजिट है 1, 2, 3, 4, तो ग्रेटेस्ट अगर हमें संख्या लिखनी है तो इसमें जो सबसे बड़ा अंक है वो पहले लिखेंगे, पहले 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इन डिजिट को रखेंगे तो ग्रेटेस्ट संख्या बन जाएगी। तो 9, 7, 2, 0, 9, 7, 2, 0, तो इसका जो बी ऑप्शन है ये इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, यूजिंग डिजिट्स 2, 0, 9, 7, द स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर मेड इज, स्मॉलेस्ट में क्या करते हैं हम, जो सबसे छोटा डिजिट है उसको पहले लिखते हैं, लेकिन जीरो को हम सबसे पहले लिखने से वो संख्या 4-डिजिट की नहीं रहेगी। जैसे यहाँ हमने 0 लिखा, फिर इससे बड़ा है 2, फिर 7, फिर 9, लेकिन ये 4-डिजिट नहीं कहलाएगा, 3-डिजिट कहलाएगा। तो स्टार्टिंग में हम 0 ना लगा के 02 के बाद आएगा 2, 0, 7, 9 बाकी, तो इसका जो ऑप्शन ए है ये इसका राइट आंसर है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर -1 कितना होगा। अब स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर, पहले तो आप ये देखिए कि 4-डिजिट नंबर क्या होता है स्मॉलेस्ट में, हम पहले वो लिखते हैं स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर, हमने लिख दिया 1, 0, 0, 0, ये 4-डिजिट हो गए, 1, 2, 3, 4। अब इसमें -1 करना है, तो ये कितना है हमारे पास 1000 में हम 1 माइनस करेंगे, 0 माइनस 1 नहीं होता, कैरी लेंगे 10 माइनस 1, 9, यहाँ रहेगा 9, यहाँ रहेगा 9, ये वाला कैरी स्टार्टिंग में आ गया था 999, तो इसका ऑप्शन जो है बी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर +1, ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर, तो 4 टाइम 9 लिखेंगे, सबसे बड़ा डिजिट होता है 9, इसको 4 टाइम हमने लिख दिया। अब इसमें +1 करना है, तो +1 करेंगे, 9 + 1, 10 की 0 कैरी 1, 9 और 1, 10 की 0 कैरी 1, 9 और 1, 10 की 0 कैरी 1, 9 और 1, 10, तो ये आया हमारा 10,000। आप इसमें देख रहे हैं 10,000, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ हिंट दिया हुआ है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो हमें सेंटीमीटर बनाने हैं, तो पहले किलोमीटर के मीटर बनेंगे, तो क्या आएगा 1000,
फिर एक किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया। अब एक मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं, तो 100 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1000 को एक किलोमीटर में 1000 मीटर हैं, 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम 0 ये है, 2 टाइम ये है, 5 टाइम 0 आएगा। तो देखिए कहाँ है 5 टाइम 0? सी पे है, यानी 1 लाख। इसका आंसर क्या होगा? 1 लाख सेंटीमीटर, ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 1 मिलीग्राम इज किलोग्राम, यानी कि 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? तो इसमें हिंट देखिए, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम। तो यहाँ 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट ये हैं, 0, 3 टाइम 0, 3 टाइम 0 ये हैं, तो 6 टाइम 0, तो इसको 6 टाइम 0 देखिए कहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कितनी होगी संख्या? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh। तो 10 लाख से हम 1 को डिवाइड करेंगे उतना किलोग्राम आएगा। तो ये इसका ऑप्शन जो ए है, ए इज द राइट आंसर, 6 टाइम 0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 1 मिलियन इज इक्वल टू लाख, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझिए कैसे हम इसको निकालेंगे। साइड में मैंने कुछ सुविधा के लिए यहाँ लिखा हुआ है, आप थोड़ा इधर देखिए, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore। नीचे लिखे हैं, ये तो इंडियन सिस्टम के आधार पर हैं, ये सभी के सभी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये है इंटरनेशनल। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 के बाद फिर 100,000 होता है, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, यानी 1, 2, 3 के बाद कॉमा, फिर 1, 2, 3 के बाद कॉमा, इस तरह होता है। और इंडियन में क्या होता है, 1, 2, 3, फिर इसके बाद 2 डिजिट आएंगे, ये 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, और फिर, तो इस प्रकार से इसमें पूछा है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। आप इसमें देखिए मिलियन कहाँ आ रहा है हमारे पास, 100,000 के बाद मिलियन, तो मिलियन के इस साइड में क्या आ रहा है, 10 लाख, टी फॉर 10 लाख, 10 लाख है। और 10 मिलियन में कितने होंगे, 10 मिलियन में 1 करोड़, खाली करोड़ है, और 100 मिलियन में कितना होगा, 10 करोड़। तो इस प्रकार से आप इसको एक कागज़ पर कहीं पर भी आप मोटे अक्षरों में लिख के रखिए, बार बार प्रैक्टिस करो तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो ये मिलियन है, तो मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो इसका आंसर आएगा 10, यानी सी पार्ट, इसका सी इज द राइट आंसर। इसमें 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला है 10 करोड़ इज इक्वल टू मिलियन, 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? हम जहां लिखा हुआ है हम वहीं एक बार फिर से चलते हैं, वहां आपको समझाते हैं 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। 10 करोड़ देखिएगा, 10 करोड़ ये है, करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ के साइड में क्या है, 100 मिलियन, यानी 100 मिलियन होते हैं, कितने, 100 मिलियन, तो आएगा 100 मिलियन, ए ऑप्शन आएगा 10 करोड़ में, जैसे हमने अभी टेबल में देख के आपको बताया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 73, ये रोमन में लिखा हुआ है, तो कैसे होगा, ये कौन सा सही होगा? देखिए एल बोलते हैं 50 को, तो 50 है, जो ये एक्स है ये 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो 50, 60, 70, 80 है, तो 83 है, 73 चाहिए हमें, तो ये एक्स है, ये एल है, एल होता है 50 में यदि हम 10 लेस कर देंगे तो 40 हो जाएगा, तो ये गलत है, इस तरह से नहीं होता, ये होगा एल 50, 60, 70 और 1, 2, 3, 73, इसका ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर, इसका सी राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच नंबर इज द मीनिंगलेस, इनमें से कौन सा ऐसा है जो मीनिंगलेस है, यानी जिसको हम रोमन में नहीं लिख सकते, जैसे ये
एक्स जो है ये 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो 10 वी जो है 5 को करता है, तो 10 में से हम 5 घटाएंगे, लेफ्ट साइड होने का मतलब है उसको सब्ट्रैक्ट करना, तो 5 होता है, तो 5 तो ऐसे नहीं लिखा जाता, तो यही इसका मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। बाकी जो और हैं ये मीनिंगफुल हैं, देखो ये 10 है, एक्स 10 को रिप्रेजेंट करता है, फिर 1, 2, 3 ये 13 हो गया, यहाँ देखिए सी 100 को रिप्रेजेंट करता है, तो 100 माइनस 10 ये 10 हो गया, तो ये 90, ये 90 है, तो ये मीनिंगलेस है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 4 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 9 एंड 2, 4 से मल्टीप्लाई करना है बाय द सम ऑफ 9 एंड 2, 9 और 2 के सम को, तो 9 एंड 2 का जो सम है, जैसे यहाँ लिखा है 4 मल्टीप्लाई 9 प्लस 2, ये सम तो कर रखा है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ देखो 9 से 9 प्लस 2 लिखा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये भी गलत है, ये तरीका सही है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 2, इन दोनों के सम को इसको ब्रैकेट में हम रखेंगे, तो इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है, इज द राइट आंसर। मैं यहाँ इनको रेड पेन से सर्कल कर रहा हूँ, एग्ज़ाम्स के अंदर जो सही आंसर होता है तो एग्ज़ाम में हमें लिखना होता है सी ब्रैकेट के अंदर 4 मल्टीप्लाई 9 प्लस 2, यहाँ से मैं रेड पेन से इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हाउ टू राइट द सुटेबल रीअरेंजमेंट द सम ऑफ 208 प्लस 700 प्लस 392, इसको हम किस प्रकार से रीअरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट करते समय यूनिट प्लेस का जो सम होता है उसमें 0 आना चाहिए, तो 8 के साथ हम 0 प्लस करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 के साथ हम 2 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 0 आया, तो 208 प्लस 392 जहाँ ये लिखा होगा ब्रैकेट के अंदर वो सूटेबल रीअरेंजमेंट होगा, और 700 होगा बाहर, तो देखते हैं हम कहाँ ये गलत कर रखा है, यहाँ ये 208 प्लस 392 इन दोनों का सम करेंगे, 8 और 2 10 की 0, तो ये 0 आ रहा है इसमें, तो ये आंसर आपका सही है, क्योंकि अगर हम इनका सम करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सम क्या आएगा, 300 और 200 500, 92 और 8 100, तो ये 600 आएगा सम, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन बी है, बी इज़ द राइट आंसर, इसमें केवल दो ही ऑप्शन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक आइडिया से हमने इनको सम करना है राउंडिंग ऑफ करके, आप इसको 100 के हिसाब से राउंडिंग ऑफ करेंगे, जैसे 730 है तो ये 700 के नियरेस्ट है, नज़दीक है, 998 है ये 1000 के नियरेस्ट है, तो ये 1000 हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा, 1000 प्लस 700 1700, तो इसका ये बी वाला ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर है। आप देखिए 16, इस्टीमेट 12904 28888, इसमें ये जो दोनों संख्या हैं इसको 1000 के नियरेस्ट हम करेंगे, तो देखिए 12904 है, 12000 है, 904 है, तो ये 13000 हो गया राउंड ऑफ, ये 2888 है, ये 3000 के नियरेस्ट है, ये 3000 और ये 13, तो 13 और 3 कितना होगा 16000, तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन 16000। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, इस्टीमेट 796 माइनस 314, इसको 100 के राउंड ऑफ करेंगे हम, तो 796 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 800 हो जाएगा, 314 जो है ये नियरेस्ट है 300 के, 400 से तो काफ़ी दूर है ये, तो ये 800 और ये 300 तो 1100, नहीं 11 नहीं, ये सब्ट्रैक्ट करना है, 400 माइनस 300 तो क्या आएगा 7800, ये 800 है ये 300 है, तो 8 माइनस 3 होगा 5, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा, 800 माइनस 300, 8 माइनस 3 5। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, गिव ए रफ एस्टिमेट ऑफ, यहाँ भी हमें एक रफ एस्टिमेट लेना है, इसको हम 100 के राउंड ऑफ करते हैं, क्योंकि ये 100 में है, ये 100 में है और ये 1000 में है, तो इसको भी हम 100 के राउंड ऑफ करेंगे, तो देखेंगे 439, ये 400 हो गया, 500 के नज़दीक नहीं है, 400 के है,
334 ये 300 के नियरेस्ट है, तो ये 4 और 3 700 हो गए, ये 4317 यानी 4317 ये 43 आएगा 4300, तो यानी कि 4300 ये हो गया, 700 आपका ये हो गया, तो ये आएगा 5000, 4300 प्लस 3 46 प्लस 4 5, तो 5000 इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी। तो चैप्टर 1 के 18 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको समझा दिए गए हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।